नमस्कार, आप सभी का वाणी प्रकाशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वाणी प्रकाशन से प्रकाशित कविता संग्रह पत्थलगड़ी पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और ये हमारे समय के बहुत ही जरूरी कवि अनुज लुगुन का कविता संग्रह है। ये उनका दूसरा कविता संग्रह है पत्थलगड़ी, और इस पर हम लोग अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे सब साथ में जुड़ते जाएंगे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता अभी जुड़ते ही होंगे। हमारे विशिष्ट वक्ता चौथी राम यादव सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, और सबसे ज्यादा ये हर्ष और गौरव का क्षण है कि बहुत समय बाद जब हम लोग बीएचयू में थे तो सर को सुनते पढ़ते थे, तो अभी बहुत समय बाद सर से बिल्कुल सामना हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर बहुजन चिंतक तो है ही, और लगातार जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी सर की लगातार बनी हुई है, और आज तक सर बिल्कुल सक्रिय हैं, तो हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं सर। जब भी हम लोग सर को देखते हैं तो लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो सर का मैं बड़े ही आदर के साथ स्वागत करती हूँ। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे विशिष्ट दूसरे विशिष्ट वक्ता हैं अरुणाभ सौरभ जी, जो कि स्वयं एक कवि हैं, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि समकालीन हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण रूप से एक हस्ताक्षर के रूप में हैं, और इनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं, आलोचना पुस्तक भी आ चुकी है। अपने समय के कर्मठ, जुझारू और अपडेटेड रहने वाले कवि अरुणाभ सौरभ का हार्दिक स्वागत है, और जिनके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे कवि मित्र अनुज लुगुन का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ कि ये अपने हमारे समय के वाकई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी कवि हैं। जब मैं सुगना मुंडा की बेटी कविता संग्रह जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक अलग कलेवर जो कविता में जो दिखाई देता है, और जब पत्थलगड़ी कविता संग्रह में जिस तरह से उन्होंने बहुविध रंग एक तरह से उकेरा है, जहाँ पर समाज का भी चित्रण हमें दिखाई देता है, राजनीति भी हमें दिखाई देती है, और सबसे बड़ी बात अनुज लुगुन की कविता में मुझे लगी कि इनमें एक चिंता है समाज में जो तमाम तरह की विद्रूपताएं हैं उसको, उस एक तरह से चिंता ही नहीं है, उसे ये ठीक करने की कोशिश भी एक जद्दोजहद भी है इनके मन के अंदर कि उसे कैसे ठीक किया जाए। और लगातार एक तो अनुज लुगुन का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल सहज व्यक्तित्व है, और सहजता के साथ वो अपनी कविता में भी किस तरह से अपनी बात लेकर आते हैं। कई बार होता है कि जब हम कविता लिख रहे होते हैं तो हम अपने जल जंगल जमीन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कई बार हम बहुत आक्रोश में भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने अनुज लुगुन की कविताओं में देखा है कि एक बहुत ही सुंदर शिल्प के साथ और अर्थपूर्ण ढंग से कि अपनी बात भी कहनी है और उसमें कोई अहंकार भी नहीं झलक रहा है और कोई बहुत तेज आवाज भी नहीं है, लेकिन बात है जो कि बहुत ही दमखम के साथ आ रही है। ये अनुज लुगुन की कविता में मुझे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और अनुज लुगुन के कविता संग्रह में पत्थलगड़ी पर जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं इनके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा सम्मान से सम्मानित ये कविता संग्रह है इनका, जो कि मेरे पास आ चुका है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सारी कविताएं हैं, मुझे बहुत ही शानदार कविताएं लग रही हैं इसमें। जो सम्मान, जैसे कि भारत भूषण अग्रवाल से सम्मान से सम्मानित हैं 2011 में, और सावित्री त्रिपाठी स्मृति सम्मान 2014 में इन्हें मिल चुका है, भारतीय भाषा परिषद का युवा सम्मान इन्हें मिल चुका है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 में इन्हें प्राप्त हो चुका है, तो और इस समय सहायक प्राध्यापक है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। तो अनुज लुगुन को बुलाने से पहले कि अनुज लुगुन को बुलाऊं और उनकी कविता का दो तीन पाठ हम लोग सुने, उसके पहले मैं एक कविता, उनकी बड़ी बड़ी सुंदर कविता मुझे लगी जो कि इसी कविता संग्रह से है,
अभी और रात बाकी है दोस्त, और इसमें से जो बीच की एक कुछ पंक्ति उठा रही हूं मैं, कि तुम जो कहती थी कि नासूर सी है यह दुनिया, इसे ठीक करना है। हसिया से लोहारों के बनाए औजारों से, हसिया से सरसी से कुदाल से, स्त्रियों की भाषा से, दलितों की रेती जरूरी है गठिया गए वड वृक्ष को काटने के लिए। इतनी जरूरी बात इन्होंने इतनी अच्छे ढंग से कह दी, और सोचने पर ये पंक्तियां हमें तो बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। तो मैं कवि अनुज लुगुन को बुलाऊंगी कि आप अपने कविताओं का पाठ करें। हम लोग सबसे पहले कविता पाठ सुनेंगे। अनुज लुगुन, बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपका, और इस मंच में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर चौधरीराम यादव जी, कवि मित्र साथी अरुणाभ जी, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप सब साथ हैं, मैं आप सबके साथ हूँ। मैं बस एक छोटी सी कविता पढ़ दूंगा जो इसकी शीर्षक कविता है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, सर को सुनेंगे। कविता का शीर्षक है पत्थलगड़ी, यह शीर्षक कविता है, मैं उसका पाठ कर रहा हूं। हिंदी में लोगों ने एक मुहावरा बनाया पत्थर फेंकना, हिंदी में लोगों ने एक मुहावरा बनाया पत्थर फेंकना, हिंदी के एक कवि ने लिखा पत्थर फेंक रहा हूं। लोगों ने एक फिलिस्तीनी बच्चे को टैंक के सामने खड़े होकर पत्थर फेंकते हुए देखा। यानी आप अपनी असहमति जता सकते हैं, या दमन तेज हो तो प्रतिरोध स्वाभाविक है, लेकिन हिंदी आदिवासियों की मातृभाषा नहीं है और ना ही वे पत्थरबाज हैं। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि पत्थर उनकी पहचान का प्रतीक है, यह उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है, उनके लिए पत्थर ही पट्टा है जो न धूप में पिघलता है और न बरसात में गलता है। वे पत्थर गाड़ेंगे और अपने होने का दावा करते रहेंगे, वे पत्थर गाड़ेंगे और अपने होने का दावा करते रहेंगे। वे कहते हैं कि पत्थरों पर निषेध लगाकर ही सरकारें उनकी जमीन पर सेंध लगाती हैं। आदिवासियों का यह कथन हिंसक माना गया, सरकार ने कहा यह बगावत है और जेल में डाले जाने लगे आदिवासी। कितनी अजीब बात है कि हिंदी आदिवासियों की मातृभाषा नहीं है, ना ही वे पत्थर फेंकने का मुहावरा जानते हैं, वे तो सिर्फ पत्थर गाड़ना जानते हैं, फिर भी वे पत्थर फेंकने के दोषी माने गए। भाषा का यह फेर पुराना है, भाषा का यह फेर पुराना है। सरकार आदिवासियों की भाषा नहीं समझती है, वह उन पर अपनी भाषा थोपती है। आदिवासी पत्थलगड़ी करते हैं और सरकार को लगता है कि वे बगावत कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और इस पूरे कविता में जो पूरी बात निकल कर आ रही है कि कितनी बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारा समाज कितना दोयम दर्जे का समाज है, और जो पूरा राजनीतिक जो चरित्र है कि उसमें हम एक पूरे महत्वपूर्ण आदिवासी समाज को एक तरह से कटघरे में खड़े करने की बात करते हैं, और वो जब अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक नया उपनाम दे देंगे, कि उन्हें कुछ और कह देंगे। ये बहुत ही अजीब स्थिति है हमारे समाज की। और उसके साथ मैं देखती हूँ कि अनुज लुगुन जिस तरह लगातार सक्रिय भूमिका, ये आज नहीं कल नहीं, ये हमेशा के लिए ये एक लकीर की तरह इनकी कविताएं बनी रहेंगी जब जब भी इस तरह की बात होगी। तो अभी मुझे लगता है कि अरुणाभ सौरभ लेफ्ट हो गए हैं, क्या हो गया? कुछ शायद कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद। हाँ, हो सकता है, वो लगता है नेटवर्क का इश्यू है। हाँ 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 डिस्कनेक्टेड तो हो रहे हैं अनुज दिख लुगुन, रहे हैं मैं जी। आपसे एक अनुरोध करूंगी कि आप एक दो कविता का पाठ और करें, अच्छा फिर हम लोग। ये हाँ
इसी हाँ इसी हाँ का चलिए जी बिल्कुल हाँ ठीक। क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं सर को सुनूँ, ठीक है, हाँ और चौथे सर राम सर को सर सुनूँ, आप सबको हाँ हाँ सुनूँ। जी हाँ जी बस मैं सर को तो बिल्कुल अंत एक में मैंने सोचा है कि पूरा मंच सर का है और बहुत इत्मीनान से बस बैठ के सर को सुनना है। जी। हाँ, मैं एक कविता पढ़ देना चाहता हूँ। जी ये शीर्षक है, नागरिकता के सीमांतों पर खड़े लोग। नागरिकता के सीमांतों पर खड़े लोग संदिग्ध हो जाते हैं। वे बहुसंख्यक आबादी की पूंछ माने जाते हैं। जानवरों की तरह लोग उनसे अपनी देह की मक्खियां झाड़ते हैं। उन्हें वे अपने पेट तक पहुंचने नहीं देते, अपने सीने से लगने नहीं देते, अपनी जुबान की भाषा तो उन्हें कभी होने ही नहीं दिया जाता। वे उन्हें अपने मल द्वार के ठीक ऊपर लटका कर रखते हैं। आ कविता की भाषा की तरह बहुसंख्यक अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। वे असभ्य और पिछड़े माने जाते हैं। नागरिकता के सीमांत पर खड़े लोग कभी जम्मू के हो जाते हैं तो कभी कश्मीर के, कभी पूर्वोत्तर के हो जाते हैं तो कभी बस्तर के। वे सीरिया, फिलिस्तीन, म्यांमार, मैक्सिको, ग्वाटेमाला कहीं के भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि वे हमारे घरों में चूल्हों, चौकियों और चौखटों के हो जाते हैं। धीरे धीरे वे गुस्सैल हो जाते हैं, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो वे हथियारबंद भी हो जाते हैं। तब उन्हें और आसान हो जाता है नागरिकता के पायदान से धक्के दे देना। नागरिकता के सीमांत पर खड़े लोग आपकी तरह मुस्कुराते हुए आधार कार्ड दिखा नहीं सकते। क्या बात है, नागरिकता के सीमांत पर खड़े लोग आपकी तरह मुस्कुराते हुए आधार कार्ड दिखा नहीं सकते। राशन कार्ड लिए हुए भी उनका दिल धड़कता रहता है। वे जानते हैं उन्हें कभी भी अनाज की जगह जेल की सलाखें मिल सकती हैं। वे आपको अपना भूगोल दिखा सकते हैं, मानचित्र नहीं। वे गोद में अपने विलखते बच्चों को दिखा सकते हैं, उनका भविष्य नहीं। वे आपको अपनी आंखें दिखा सकते हैं, रुदन नहीं। वे नदियों, नालों, पहाड़ों और कटीली रास्तों को पार करते हुए हमेशा किसी अनिश्चितता में पहुंचते हैं। या उनकी खूबसूरती है कि वे हर चीज को लांघते हुए आदमियत के बंद दरवाजों को तोड़ते हैं। यह उनकी खूबसूरती है कि वे हर चीज को लांघते हुए आदमियत के बंद दरवाजों को तोड़ते हैं। ये उनकी खूबसूरती है कि वो आदमियत को किस तरह जिंदा रखते हैं। वाकई, और आदिवासी समाज जो है पूरा वो अपने आप में, और जब हम नागरिकता, और हम जब नागरिकता की बात कर रहे हैं, नागरिकता के सीमांत पे जिस तरह की चीजें लगातार हमने उस चीज को देखा है, जिस तरह हो रही हैं चीजें कि हमें अब कब अनाज की जगह मानचित्र में दिखना पड़ जाए, कब हमें आई कार्ड दिखाना पड़ जाए, और हमारा बिल्कुल स्थिति ही अपनी की आदमी है कि क्या है वो, जो एक बीच की स्थिति पैदा हो गई है कि ना हम इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। तो उस पर जो अनुज लुगुन की एक चिंता है वो कविता में पूरी तरह से सामने आ रही है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अर्णाब सौरभ से कहूंगी कि आप अनुज लुगुन के कविता संग्रह पत्थलगड़ी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह आपने उस पूरा कविता संग्रह आपने पढ़ा, आपको ये कविताएं किस तरह प्रभावित करती हैं? आप कुछ प्रमुख तत्वों पर भी इशारा करते हुए कविताई जो मंतव्य है उसमें आप इन सारी कविताओं को किस तरह पाते हैं आप, और आगे भी अपनी बात रख सकते हैं अर्णाब सौरभ। बहुत आभार अर्चना जी, आवाज ठीक है? हाँ तो आदरणीय प्रोफेसर चौथीराम यादव सर को मेरा प्रणाम और अपने मित्र साथी
कवि अनिल दुबे को बहुत बधाई। अच्छा, थोड़ी सी आवाज अर्णव जी तेज कर लीजिए। अब ठीक है। तो थोड़ा सा और तेज सबसे कर लीजिए। पहले मैं अनुज लुगुन को इस पत्थलगड़ी संग्रह के लिए बधाई इस रूप में देना चाहता हूं कि औपनिवेशिक गुलामी के दौर में जब पत्थरों ने आदिवासियों के लिए अदालत में गवाही दी थी, उस जीवंत परंपरा को ये समाज के अदालत में आज जब पत्थलगड़ी का पूरा विधान, आदिवासी समाज का एक पूरा विधान है, ऐसे दौर में जब आदिवासी समाज पर कई तरह के हमले हो रहे हैं, कई तरह से उसके लोग को उजाड़ा जा रहा है, एक नए तरह के बाजारीकरण की पूरी प्रक्रिया में उस पूरे समाज को झोंका जा रहा है, तब अनुज लुगुन जैसे एक पढ़े लिखे समझदार चिंतक कवि का इसके प्रतिरोध में एक कविता का मोर्चा लेना हम सब लोगों के लिए बहुत सुखद है। बिल्कुल दूसरी बात कि अनुज की कविताएं हमारे दौर में शिलाओं पर अंकित कविताएं, ये पत्थरों पर लिखे इतिहास जनश्रुति से और इतिहास जनश्रुति को हमारे जो आज के सवाल है, हमारे समाज के जो मौजूद सवाल है, उससे टकराती हुई ये सारी कविताएं हैं, जिसमें एक सहजीविता का सिद्धांत है, जिसमें हमारे समाज में जो हमारा लोक पक्ष है और उस लोक पक्ष की जो अपनी स्वायत्तता है, आदिवासी समाज ही हमारा सबसे ऑथेंटिक फोक लोर है, सबसे ऑथेंटिक फोक लिटरेचर हमारे समाज का आदिवासी समाज जो है। अनुज लुगुन उस मुंडारी समाज के बीच से उन चीजों को जो आज हमारे सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं, और तब जबकि पत्थलगड़ी के नाम पे देशद्रोह का मुकदमा, इन तमाम चीजों को एक हम सब लोगों ने देखा ही है, तो उस पर चर्चा करने से बेहतर है कि ये जो कविताएं हैं, यहाँ पर एक असाधारण मेटाफर का इस्तेमाल है, जिसमें गवाही देने वाले पत्थरों का रूपक यह देश के सामने में खड़ा है और सवालों के साथ खड़ा है। हमारा कवि पूरे तौर पे सवालों के साथ है, जो आम जनता के जो मौजूद सवाल है, मतलब आम जो हमारे लोक पक्ष का जो मौजूद सवाल है, यह देवता और देवमूर्ति बनाने वाले पत्थरों पर अंकित इतिहास को सिर्फ व्याख्यायित करने वाली कविताएं नहीं है। ये कविताएं सिर्फ जो हम जन अरण्य में जो इतने भव्य देव मूर्तियां स्थापित करते हैं, और आजकल तो एक दौर शुरू हुआ है महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने का, तो इन तमाम पहलुओं पर अगर हम विचार करें तो अनुज लुगुन की कविताएं और हम सब लोगों को खुश होने की जरूरत है। हमारी पूरी पीढ़ी बहुत आश्वस्त है, बहुत खुश है कि हमारे पास अनुज लुगुन है, जिसने इस दौर में जबकि हम देख रहे हैं महापुरुषों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जा रही है, एक कवि पत्थलगड़ी को अपनी कविता और अपनी चिंतन का जो व्याकरण है उसके दायरे में ले जा करके और उसको अनुशासनबद्ध करने की परंपरा निर्मित करता है। और अभी रात बाकी है दोस्त से लेकर के इस संग्रह में आबुआ दिसुम वालों के बीच तक जितनी कविताएं हैं, वे सभी कविताएं अनुज लुगुन की अपनी स्वाभाविक चिंता है, अपने लोक पक्ष के प्रति जो उनकी चिंता है वह भी है, और तीसरी बात यह है कि उस लोक जीवन के प्रति अनुराग है, आसक्ति है, और आसक्ति होने के साथ साथ इसको ये प्रोटेस्टिव टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमारे दौर में अगर है तो हम सब लोगों को बहुत आश्वस्त होने की जरूरत है, हालांकि क्रिटिकल होने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग और मैं, चूंकि अमित जी पे ज्यादा कहूंगा तो फिर लोग बात तरह तरह के बात की बात भी उठाएंगे कि ये जो है एक मित्र दूसरे मित्र की तारीफ में कर रहा है, लेकिन
आदिवासियों को नाचते गाते हुए देखना जो सत्ता पक्ष का है वो तो सबको बहुत पसंद है। आज अचानक से देखिएगा कि सब लोगों को आदिवासियों से बड़ा प्यार आ रहा है। सब लोगों को देखिएगा कि वो फोक उनके फोक डांस पर जैसे तैसे नाचते हुए झूमते हुए आज सत्ता पक्ष दिखता है। हमारा कवि उन नाच गान को सिर्फ नाच गान की तरह नहीं, उस लोक परंपरा को उस लोक परंपरा की भांति और उस लोक परंपरा को प्रतिरोध के औजार की भांति और उस औजार को समकालीन जीवन में एक इम्प्लीमेंटेशनल टूल की भांति उपयोग करता है। क्योंकि हमारा कवि एक पढ़ा लिखा और पूरा हमारे दौर को सोच समझ करके जिसके पास जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है अध्यापन करते हैं तो पूरी एकेडमिशिया की पूरी जानकारी है और तब वह जब करता है इसीलिए आश्वस्ति बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात की इतिहास की कब्र का ये भूखा आदमी है जिसका बयान कविताओं में दर्ज हुआ है, ये इतिहास की कब्र का वो भूखा आदमी है जो कि कलाओं में बहुत निपुण था। अनिल गोविंद के पास बहुत बारीक कविताओं में जो सूत काटने की जो बारीकी है अनुज लुगुन के पास वो है, इनके पास सिंह का कहीं अनगरपन नहीं मिलेगा। ये जो संग्रह है हमारे हाथ में ये वाणी प्रकाशन को खास तौर पे धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत व्यवस्थित और सुचिंतित कवि को हमारे बीच में ये लाए और बार बार लाते हैं, मतलब पिछला संग्रह भी इनका यहीं से है। और मैंने ये कहा कि इनके पास जो प्रतीक योजना है जो पूरी कविताओं की जो एक कविताओं का जो बिंब विधान है हर चीज में बहुत परफेक्शन के साथ ये काम करते हैं। दूसरी बात कि पत्थलगड़ी में 2015 से लेकर के 2020 के बीच की तमाम परिस्थितियां आपको 21-22 की सब वो आपको एकदम सिस्टमेटिकली मिलेगा। यहाँ भीमा कोरेगांव की बात है, यहाँ नागरिकता के सवाल पर सवाल उठाने उठाने वाली बात है, लाल कार्ड पर बेहतरीन कविता है। अब लाल कार्ड मतलब ये एक कार्ड है लेकिन वो कार्ड हमारी पहचान को किस रूप में रेखांकित करता है, तब जब कार्ड ही हमारी पहचान बन गई है। हर किसी के पर्स में ढेर सारे कार्ड होते हैं अर्बन सिटीजन के बीच में, और अनुज लाल कार्ड की बात करते हैं जो कि रूरल सिटीजनशिप के को लेकर के और एक कैसी उसमें लाल कार्ड को लेकर जिज्ञासा किस तरह की चीज है वो सब उठाते हैं। इस संग्रह में मजदूरों की जो मौत है उसका मामला है, मतलब जनता धरती जो जन पर्यावरण उसकी सारी चिंताएं जड़ जमीन जंगल के सारे सवाल और आम जो हिंदुस्तानी नागरिक है उसके नागरिकता बोध के साथ सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी पूर्वक सारी बात कहने वाला कवि अनुज लुगुन है। इसीलिए इस पत्थलगड़ी संग्रह में जो हम कविताओं का जो स्वरूप पाते हैं वो उसमें ये मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क के साथ आए हैं। यहाँ पर बहुत मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कविताओं में आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप देखिएगा कि एक साथ नागरिक समाज, शहरी समाज, अर्बन सिटीजन, आदिवासी लोक जनजीवन, उसका पूरा फोक लोग, उस मुंडारी समाज की एक एक चीजें, पत्थलगड़ी का पूरा ट्रेंड ट्रेडिशन जब भूमिका लिखता है। मजे की बात यह है कि जहाँ युवा कवि चाहते हैं कि किसी वरिष्ठ नागरिक से, वरिष्ठ कवि से कविता संग्रह पर कुछ पंक्तियां लिखवाएं, किसी की कोई भूमिका नहीं है, स्वयं कवि का एक स्टेटमेंट है और फिर कविताएं हैं। और कवि का जो स्टेटमेंट है इसको एक हम सब लोग एक डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ें, यह हमारे दौर का एक ज्वलंत दस्तावेज है, उस रूप में इसकी प्रस्तावना को देखने की जरूरत है। पूरा संग्रह की पूरे संग्रह की जितनी कविताएं हैं ये सभी कविताएं बहुत मनोयोग के साथ लिखी हुई है और उस पर काफी काम हुआ है, बारीक ढंग से कविताओं का गठन है जो अनुज की खासियत है। और यहाँ पर सिर्फ झारखंड नहीं है, पूरा पूरा भारत है, पूरा भारत है, बिल्कुल पूरा भारत है। सहारनपुर तक कवि जाते हैं और हर तरफ भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र, मतलब
एक जो जनश्रुतियों का भारत है, जन परंपराओं का भारत है, जन संवेदना का भारत है, जो लोक परंपराओं का भारत है, जो हमारी वाजिब संस्कृति का भारत है। आदिवासियों ने उस भारत से अभी अपना अधिकार मांगा नहीं है। जिस दिन मांगेगा तो दुनिया की कोई सत्ता नहीं दे सकती है उस अधिकार को, क्योंकि उसके पास ताकत है लेकिन अधिकार देने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इन तमाम कविताओं को पढ़ करके हम ये कह सकते हैं कि अनुज लुगुन ने हिंदी कविता को उसकी वास्तविक जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने का एक मुकम्मल प्रयास किया है। मैं इस संग्रह के प्रकाशन के साथ ही अनुज को बधाई देता हूँ। लगातार लिखते रहें, स्वस्थ रहें और पत्थलगड़ी की तमाम कविताओं को बार बार पढ़ने की और रेखांकित करने की जरूरत है। अर्णव सौरभ, बहुत ही अच्छा कि आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात कि वाकई इन सारी कविताओं में पूरा भारत तो दिखता ही है, लेकिन विश्व में जो तमाम तरह की चीजें चल रही हैं उस पर भी कवि की निगाह है और वहां भी उनकी चिंता लगातार बनी हुई है। तो ये एक तरह से वाकई जो आपने एक बात कही कि पत्थर पर लिखी जाने वाली, ये पत्थर पर हमेशा के लिए लकीर की तरह खींच जाने वाली इनकी कविताएं हैं, तो उन इन कविताओं में भारत हो गया, विश्व हो गया, पूरा समाज हो गया, सारी अंतर्दृष्टि जिस तरह से पूरी स्थापित नजर आती है। तो अनुज लुगुन को वाकई बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक बात आपने, अर्णव जी ने सही कही कि हम सभी जो इनके साथ के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि भाई मैं तो सबको बताती हूँ कि अनुज तो मेरे सहपाठी हैं और बहुत ही गर्व के साथ बताती हूँ। तो ये बहुत ही वाकई, और चूंकि हम लोग चौथी राम सर को बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं और कल से ही सर हम लोग इतने उत्सुक हैं कि हम तीन विद्यार्थी यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने हैं, तो हम सोचे कि गुरु जी को बहुत ज्यादा और इत्मीनान से बैठकर सुनना है। तो सर से तो मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन सर की इस पत्थलगड़ी कविता संग्रह में आप जब इसको पढ़ते हैं तो ये कविताएं, मैं फिर वही सारी चीजें कि अब कविताएं आप कैसे इन सारी कविताओं को लेते हैं और एक समय, समाज और कवि, कविता, इन सारे परिदृश्यों पर सर अपनी बात रखे और हम लोग लाभान्वित हो। और जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से पूरे समृद्ध होकर लौटने वाले हैं सर को सुनकर। तो आदरणीय चौथी राम सर को आग्रह करती हूँ कि सर अपना वक्तव्य दें। सर म्यूट है, सर सर अनम्यूट कर लीजिए। अभी नहीं हुआ सर। लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ गई है। हम लोग एक 2 मिनट हम लोग कविता संग्रह पत्थलगड़ी पर जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे इस कविता संग्रह में एक कविता जो कि आधी रात की कविता, कवि लिखते हैं कि पहले वे जंगलों को जलाते हैं, फिर उसके जीवाश्म से अपने चेहरे चमकाते हैं, वे रंगों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और कलाकारों को धकेल देते हैं अंधेरे में, वे नियमों के साथ नहीं आते, कोर्ट कचहरी और सचिवालय के साथ नहीं आते, वे अपनी मंशा में सरकार नहीं होते हैं, उनकी बर्बरता अतीत के घुड़सवार पर सवार होकर आती है और उनकी धमनियों में घात लगाकर बैठ जाती है। तो ये जो पूरा आधी रात की कविता, आप एक शीर्षक से ही देख सकते हैं कि इसमें जो एक कवि बिल्कुल बेचैन स्थिति में है
और उस पहले वे जंगलों को जलाते हैं, फिर उस जीवाश्म से अपने चेहरे चमकाते हैं। यानी किस तरह से अपने खुद को चमकाने के लिए आप सारी चीजें, सारी जो जीवाश्म है, जो जिन जिनका रहना बहुत ही जरूरी है, उसे आप खत्म करने की स्थिति में आ जाते हैं। और एक जो मैंने शुरुआत में अनुज लोगों, जो मैंने कविता में बात की थी कि ये जब कविता आप लिखते हैं, तुम जो कहती थी कि नासूर सी है यह दुनिया, इसे ठीक करना है, तो आपने एक तरफ हसिया से, सरसी से, कुदाल से इसे ठीक करने की बात आप करते हैं, दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि स्त्रियों की भाषा से, तो ये एक तरह से डिस्कोर्स भी खड़ा होता है कि कवि स्त्रियों की भाषा को इतनी तवज्जो देते हैं, और कि स्त्रियों की भाषा जो कि आज के दौर में एक अलग तरह से ली जाती है कि ज्यादा बोल दिया तो वाचाल हो गई, कम बोला तो अरे उसको तो बिल्कुल कोई समझ नहीं है। तो ऐसे में अनुज लगुन ये जब लिख रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? हाँ, बढ़िया ये एक तरह की चिंता है अर्चना, और एक स्वाभाविक सा जुड़ाव भी मैं महसूस करता हूँ स्त्री प्रश्नों के साथ। और ये जो संकलन है, इस संकलन में स्त्रियों को संबोधित कई कविताएं भी है। हाँ। और हालांकि एक पुरुष होकर स्त्री संवेदनाओं को समझ पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, और ये एक तरह की साधना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियों का अपने आप में होना, यानी स्त्रियां अगर कहीं उपस्थित हो रही हैं, उनकी उपस्थिति ही ये बताती है कि वह जगह एक लोकतांत्रिक जगह है, डेमोक्रेटिक चीज है। तो अगर कविताओं में अगर स्त्रियों की भाषा आ जाए या स्त्रियां आ जाए, तो मुझे लगता है कि कविता जो अपना लोकतंत्र बनाना चाहती है, उस लोकतंत्र का विस्तार ही होता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष है हमारी सभ्यता का, जो अंततः पुरुषों के निर्देशन में बना है कि उसमें बिल्कुल स्त्रियों की भागीदारी, उनकी भाषाएं, उनकी छवियां आ सके। तो बस एक छोटी सी कोशिश है अपनी तरफ से कि हम उन चीजों को भी अपनी कविता का हिस्सा बना सकें। बिल्कुल, ये सारी जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो कविता का हिस्सा जरूर बननी चाहिए। हमारे साथ चौथी राम सर जुड़ गए हैं, तो सर का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। सर कृपया अपना वक्तव्य दें, और हम लोग सुनना चाहते हैं सर को, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय सर, सर अभी भी म्यूट है, सर हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हो गया, आवाज देख हाँ लीजिए, आ हाँ रही जी है। जी जी सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। तो आप लोगों ने जो कविताएं पढ़ी, आपने जो बयान दिया अपनी उनकी कविताओं के बारे में, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अनुज लोगुन एक युवा कवि हैं और विजन बहुत बड़ा है। बिल्कुल बहुत कम युवा कवियों में देखा जाता है जो इतने बड़े विजन का कवि, और जैसा आपने कहा कि वो एक विश्व दृष्टि है, अंतरराष्ट्रीय है, वो केवल भारतीय ही नहीं है, वो सवाल दूर तक जाते हैं जो उठाए गए हैं। और सही कहा कि हिंदी आदिवासियों की भाषा नहीं है, यानी आदिवासी भाषा के जो मुहावरे हैं, भाषा के जो रूप हैं हिंदी के, वो इसमें नहीं है। इसी भाषा से कहा ना कि उनकी कविता उसमें होता है पत्थर फेंकना होता है, पत्थर से करना होता है। एक कवि ने भी लिखा है, कश्मीर में हो रहा था तो वहाँ बार बार आ रहा था कि वहाँ के लोग पत्थर फेंकते हैं, उनके हिसाब से लड़ रहे थे लोग किस रूप में। तो उसका बहुत ही एक तरीका यह बताया कि हम पत्थर गाड़ते हैं, पत्थर फेंकते नहीं है, या हिंदी का मुहावरा होगा, उसका मुहावरा होगा। और इसी को हमारे यहाँ जब हम पत्थर गाड़ते हैं, तो पत्थर गाड़ना हमारी अपनी संस्कृति है, यह पुरखों से हमारे होता हुआ चला आया है। पूरे गहरे इतिहास बोध के साथ उसे वह देखते हैं कि जब औपनिवेशिक दासता का काल था, तब से हम लोग इस चीज को झेल झेल रहे हैं उस, और संघर्ष बराबर होते रहे, पत्थर गड़ी को लेकर के बराबर संघर्ष होते रहे। और उसमें जो चीजें हैं
जिसकी चर्चा हो रही थी कि वह यानी वह पत्थर उनके जीवन के दो शब्दों का प्रयोग किया है, सहजीविता और स्वायत्तता। यह आदिवासी ही जीवन की नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि अगर यह हिंदी या हमारा पूरा जो साहित्यिक जगत है उसमें जो साहित्य लिखा जा रहा है, कविता या कहानी जो भी लिखा जा रहा है, उसमें इस सहजीवता को और स्वायत्तता को महत्व दे दिया जाए और आदिवासी जीवन की जो पद्धति है उसका यह तो अमंग मान्य हिस्सा ही है, तो लेकर के वह जो है एक बड़ा एक रूप खड़ा हो सकता है। नागरिकता के सीमांत पर खड़े लोग एक ऐसी कविता है जो यानी इनकी कविताएं जो हैं आदिवासियत आदिवासी जीवन के होते हुए भी वह पूरे देश के स्तर पर यानी देश की भाषाओं के स्तर पर पूरी हिंदी भाषा के स्तर पर और उसके तमाम देश की समस्याओं को लेते हुए बराबर उसका किया गया है। वह जम्मू से शुरू होता है, कश्मीर पर शुरू होता है, इसके बाद माने देख लीजिए तो बस्तर तक जाता है, यहाँ जाता है कहाँ कि हमारे घर के उसमें तक आता है। आज यह सबसे जलता हुआ सवाल था जो सरकार ने हमें इस संकट में डाल दिया था कि न जाने लाखों लोग जो है अपनी नागरिकता के सवाल से काले कानून से जूझ रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे आपके आदिवासी क्षेत्र माने झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ये तो है ही है, और जो हिंदी क्षेत्र जो है पूरा का पूरा वह उसके उसमें अल्पसंख्यक हैं, वो सब के सब हैं और सब उनकी जिसमें संदिग्ध है, वह संदिग्ध है और यानी पूरी मानवता उसकी दृष्टि में संदिग्ध हो गई है। वह शासन के रूप में देखता है तो जहां पर पड़ता है कि आप देखिए कि जो कितने गए होंगे बांग्लादेश से गए रहे होंगे और आज वहां के लोग हैं, वहां उनकी जमीन है, वहां उनका लिखना पढ़ना सब कुछ है वहां पे, लेकिन वे जो है नागरिकता के कानून के आधार पर उनकी दृष्टि में खत्म कर देना और वह तो वहां से बना लेना है। यह जो यहाँ से है तो यह हमारे देश की ही समस्या नहीं है, हमारे आदिवासी समुदाय की ही समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे विश्व की है। क्या नाम जो है वहां से शुरू किया, फिलिस्तीन से लेकर म्यांमार से लेकर के और मेसोपोटामिया, इस तमाम जो देश हैं, तमाम देश की जो नागरिकता है, जो वंचित समुदाय वहां का होगा उसकी नागरिकता का सवाल या बाहर के लोग जो जाते होंगे उनकी नागरिकता का सवाल उनके सामने भी उठता होगा, जैसे हमारे यहाँ लेकिन वह एकदम काले कानून के रूप में दाखिल कर दिया गया। और उसको कैसे कैसे किया जाए, जैसे प्रेम की नागरिकता, तो प्रेम की नागरिकता को देखिए तो नागरिकता के सीमांत पर खड़े हुए लोग वहां भी भय पैदा हो रहा है। हम प्रेमी जो बातचीत करते चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी प्रेमिका के बारे में हम कुछ उसके बारे में बताएं या उसके बारे में, लेकिन डर लगता है कि कहीं हमसे नागरिकता का सवाल न पूछ। जहां इतना भय हो, जैसे हम आप अपना बड़े खुशी हो, बड़े मुस्कराते हुए अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी जेब में वह जो क्या नाम राशन कार्ड है, लेकिन आदिवासी राशन कार्ड होते हुए भी वह डरता है कहीं क्या पूछ बैठे, कहीं हमें कहीं एक अनाज के नाम पर हम लेने जा रहे हैं अनाज, लाल कार्ड दिखा करके उसके बाद अनाज की जगह पर हमें जेल भी दे सकते, अनाज न मिले और हमें जेल दे दे तो हमारा क्या कुछ बस नहीं है, क्योंकि वह हमारी भाषा नहीं समझते हैं, हमारा वो नहीं समझते हैं, तो अपनी भाषा हमारे ऊपर थोपते हैं और उसके हिसाब से कुछ का कुछ कर सकते हैं। तो एक तो यह चीज जो दिखाई पड़ती है, नागरिकता के सीमांत पर खड़े हुए लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और जो पूरी देख लिए कि खास तौर से आदिवासियों के ऊपर ना इस ढंग से थोपा जा रहा है। आदिवासियों की अपनी एक पहचान थी, उनकी आदिवासी जीवन था, उनके यहाँ हम है, सामूहिकता जीवन है, सहजीविता का वह दर्शन है उसका, और वहां हुए उनकी घुसपैठ हुई, अंग्रेजों का उनके द्वारा प्रताड़ना हुई, उनके द्वारा पत्थलगड़ी पर हमला किया गया, पत्थलगड़ी यानी आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान है, उनकी बहुत ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है जो पुरखों से विरासत में मिली है, उसके ऊपर बराबर हमले होते रहे हैं अंग्रेज जमाने में, औपनिवेशिक काल में भी और आधुनिक भारत में भी, जो चाहे जो सरकारें रही हो उनके ऊपर बराबर उनकी पत्थलगड़ी पर हमले करते रहे हैं। काहे का है कि यह सीधे सीधे उनकी जमीन पर सेंध लगाना, सरकारें और बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों की मिली भगत से जंगल की संपत्ति को औने औने पौने दाम पर सरकार भी चाहती है कि उद्योगपतियों को दे दी जाए, बराबर होता रहा है और कोशिश यह होती है कि वह अपनी पहचान में हिंदू लिखें,
ये झारखंड से लेके आदिवासी वहां छत्तीसगढ़ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के बाद संदेश उनका गया है कि आप अपना अपने धर्म के नाम पर, जो आपका धर्म हो उसके नाम पर आप हिंदू लिखें, ये थोपना है मैंने जबरदस्ती। और जबरदस्ती आदिवासी इलाकों में अपनी देवी देवताओं की मूर्तियां बैठाई जा रही हैं, उनके जो लोग पहुंच रहे हैं और अपने मंदिर खोल दे रहे हैं, मंदिर ढंग से कर दे रहे हैं, यानी कम से कम उस आदिवासी क्षेत्र में अपने हिंदुत्व का एक वो करने का प्रयास हो रहा है, उन्हें मजबूर किया जाए कि वो अपने को हिंदू रखें, हम तब तब हम माने कि हमारे हिंदू समाज के अंग हैं, यानी वो भी हमारे हिंदू समाज के अंग हैं, वो चूंकि उनका स्वायत्त जीवन है, वो हिंदू धर्म की सीमा में नहीं आते, हिंदू धर्म से अनुशासित नहीं होते, हिंदू धर्म की जो जो बुराइयां हैं, जो पाखंड हैं, उससे आदिवासी बहुत कुछ मुक्त हैं। वहां जो स्त्री पुरुष का उस ढंग का भेदभाव है वो नहीं होता है, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का भेदभाव नहीं है, तो इस तरह का जो एक एक आदर्श का जीवन है, हम तो कहते हैं आदिवासी जीवन अगर भारतवर्ष का समाज पूरा स्वीकार कर ले तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो सकती है वहां से। लेकिन वही आदिवासियों पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है, और ये उद्योगपति वहां पर जो है तमाम कोयले की जो खदाने हैं उन पर उनका अपना लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, और लोहा वहां मिलता है बस्तर वगैरह के आसपास, जो हरियाली का पूरा क्षेत्र है, ऑक्सीजन का पूरा क्षेत्र है, उसको खत्म करने के लिए कितना हो रहा है, हजारों हजार पेड़ एक दिन में काट दिए जा रहे थे, हरियाली खत्म। एक तरफ तो कहें कि साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हरितमा की कमी हो रही है, और जो बचा हुआ है उसको भी काट रहे हैं। सवाल जंगल के काटने का ही नहीं है, सवाल यह है कि जो आदमी की आदमियत है, उसकी जो रंग भेद है, जात भेद के आधार पर जो सारी चीजें चल रही हैं, वह भी हमें उसके ढंग से दे रही है। तो यह जो अनुज लोगुन ने जो इसमें से किया है, एक एक कविता, मुझे कोई ऐसी कविता नहीं लगी जो कि स्तर से नीचे का हो, यानी समान स्तर की पूरी कविताएं हो, या बहुत कम देखने को मिलता है कि एक एक से लेकर अंत तक आप देख लीजिए तो कोई ना कोई कविता आपको मिल जा सकती है, जिसका कि लगे कि यह शिल्प से या अपनी वस्त्र से विन्यास से तो कहीं कम है, एक एक समान स्तरीयता उसमें मुझे दिखाई पड़ती है। तो ये जो कविताओं पर तो इतना समय नहीं है उस पर बात की जाए, लेकिन जो मूल रूप से देखा जाना चाहिए कि जो इन्होंने रखा है, जो पर अपना एक वो किया है, वो उसके एक एक अगर कविताओं को देखना हो तो आप फिर देखेंगे तो उसमें एक एक पंक्ति एक सूक्त के रूप में मिले, एक एक जैसे ना जो सूक्तियों की तरह की है, और वे सूक्तियां ही बहुत कुछ कह जाती है, कहने के नाम पर जो है कहा जाए तो उसमें जो जैसे हिंदी आदिवासी की भाषा नहीं है, बहुत कुछ कहता है, इसके ऊपर तमाम सब कहा जा सकता है। गोह नाम की कविता है, अब हम हो रहा है कि गोह हमारे यहाँ गायब हो रहे, जैसे हमारे क्षेत्र में भी जंगल नहीं रह गए, फिर उस ढंग के नहीं रह गए तो गायब हो गए। मेरे बचपन में मुझे याद है कि वहां ढाक के पलाश के जंगल आसपास उगे हुए थे और वहां पर वो थे, वहां पर गोह मिलती थी। और यही नहीं, जब मैं बनारस में अपना यह घर बनवाने लगा तो जब हो रहा था तो हम लोग तो रहते थे शहर में, आके यहाँ देख जाते थे, तो एक बार हम लोग आए तो वहां से एक गोह जो है हमारे ऊपर के जंगले में लटकी हुई चिपकी हुई थी, वो मैंने देखा, तब मुझे हटवे अभी भी गो है क्या, तो वहीं थोड़ा पेड़ पौधे थे वहीं पर रहता होता। तो वह क्या है कि विभिन्न भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है, मुंडारी में अलग नाम है, और किस भाषा में अलग नाम है, हिंदी में हम गो कहते हैं, और कहते हैं कि गो नहीं दिखाई पड़ता, गो खत्म हो रहे हैं। एक गो का खत्म होना एक भाषा का खत्म हो जाता है, मूल चीज जो आती है वहां जो पकड़ में केंद्रीय रूप में आती है गोह कविता के माध्यम से, कि एक गोह का खत्म हो जाना एक भाषा का खत्म हो जाना, हमारी गोह खत्म हो गई, हमारी हिंदी खत्म हो रही है, आप मुंडारी भाषा में क्या नाम दिया हुआ कहते हैं, वो अगर वह वहां से खत्म हो जाएगी तो हो जाएगी। सबसे बड़ी चिंता है कि जो आदिवासी समाज का स्तन से जो है प्रकृति के साथ अनन्य संबंध है, अभिन्न संबंध है, वहां के जीव जंतु, वहां के पशु पक्षी, वहां की नदी, वहां के पहाड़, वहां के ये सब उनके जीवन के अंग है, सहजीविता के हिस्से हैं। और चिंता होती है कभी को कि हमारे यहाँ से जो है ये सारे पशु भाग जानवर खत्म हो रहे हैं, हमारी भैंसे, हमारा ये, हमारा वो, बकरियां, ये तमाम जो है ये हमारे जीवन के अनुभवी। और आप देख लीजिए कि जब वहां से कोई बाहर के आदमी जो आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, वह आते हैं तो एक हमारी बकरी को दबाए कोई चला जा रहा है, कोई किसी को मुर्गी को दबाए चला जा रहा है, और किसी किसी स्त्री किसी बच्ची को भी दबाए चला जा रहा है।
यह उनका इतना ज्यादा वह हो रहा है, इतना ज्यादा विरक्त हो रहा है कि उन पर कोई अत्याचार कर रहे हैं। और उद्योग में विकास के नाम पर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, विकास के नाम पर सबका विकास कैसे, केवल केवल कुछ उद्योगपतियों के विकास के लिए यह सबका उसमें जोड़ता है, यह विकास है? या आदिवासियों से पूछिए कि उनका विकास है जो थोड़े से माने वहां लेकर के उद्योगपतियों का आपने कर दिया, उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं और जमीनों के अंदर पैदा होने वाले कोयले का धंधा कर रहे हैं, पर जंगल को काट कर वहां जो पहाड़ियों के नीचे लोहा है बस्तर के जंगलों में, वहां से लोहा निकालने के लिए सारा आपने मुठभेड़ कर दिया, अडानी अंबानी के सुपुर्द कर दिया है, उनको सब बेच रहे हैं, वो माला माल हो रहे हैं। और आप उसमें से कहते हैं झारखंड में ही जो उद्योग लगाने के लिए 12 ऐसे गांव चुने गए हैं जो आदिवासी बहुल, आज सारे गांवों को नहीं है, जो आदिवासी बहुल गांव है उद्योग लगाने के लिए उन तमाम जो योजनाएं इनकी रही है उसमें से उसमें उन्हीं गांव को चुना गया जो आदिवासी बहुल गांव थे, ताकि वो प्रभावित हो वह उद्वासित हो। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, अगर यह उद्योग की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें से 30 लाख आदिवासी एकदम बेदखल हो जाएंगे, निर्वासित हो जाएंगे। हम इसे नहीं देखते हैं। अनुज लुगुन की कविता में केवल आदिवासी जीवन ही नहीं है, केवल वही सब नहीं है, बल्कि पूरे हमारे देश की चिंता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस तरह की परेशानियां हैं, हमारी लड़ाई वो शामिल है, हर लड़ाई हमारे साथ दिखाई पड़ते हैं, सहारनपुर की लड़ाई हो, भीलमा पूरे गांव की लड़ाई हो, या जो जो जिस तरह से हमले हमारे यहाँ हो रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, उसकी पूरी जो कोरोना काल में जो भगदड़ मची थी, हमारे जो प्रवासी भारतीय भाग भाग के यहाँ से आ रहे, 55 साल की क्या है ना वो 55 साल की बूढ़े की जो वह है, उसके माध्यम से कोरोना काल में वह एक चित्र उपस्थित होता है कि कैसे फटे हुए विमान से उनका पैर फट गया है, सूजन आ गई है, भागे चले आ रहे हैं, 1000 मील पोस्ट पैदल चले आ रहे हैं, रात में 8 बजे वह घोषित किया, 12 बजे घोषित किया जाता है, और वह उसके बाद लागू 8 बजे घोषित किया जाता है और 12 बजे से लागू मान लिया जाता है। कहीं ऐसा हुआ है आप देखिए कि 8 बजे घोषणा होती है कि अब यह लॉकडाउन लागू होगा और 12 बजे लागू हो गया, और आपने तो अपने तमाम जो ढंग के लोग थे उनको जो है हवाई जहाज से यहाँ से करके मंगा लिया, जो जो हमारे प्रवासी जो मजदूर हैं जो किसान हैं जो दूसरे प्रांतों में गए हुए हैं उनके लिए क्या समय दिया, 4 घंटे के भीतर वह कोई पंजाब में है, कोई राजस्थान में है, कोई कहाँ दक्षिण भारत में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, तो 4 घंटे में कहाँ से आएगा, और कोई साधन नहीं है, वो भाग रहा है, पुलिस मार रही है, अब लोग उनकी मार पड़ रही है, भूख प्यास से तड़े हुए हैं, पैर में सूजन आ गई है, फटे हुए हैं, सब भाग के चले आ रहे हैं, पुलिस से प्रताड़ना हो रही, सरकार के द्वारा मारे जा रहे हैं, ऐसे समय में उसको देखना और 55 साल के जो वृद्ध है उसके माध्यम से उसकी कविता को या देखना है कि एक एक संकेतों से लेकर के कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इस कविता से हिटलर के यहां तक पहुंच जाते हैं, हिटलर का जो कहता ना गैस चैम्बर, हिटलर ने जैसे गैस चैम्बर में अपने तमाम जो विरोधी थे उनको उसमें लेकर के न जाने किसने से गैस चैम्बर में बंद करके सांस के मारे मार दिया। ऑक्सीजन की कमी, लेखक यह संकेत करता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत उन लोगों को थी जो गैस चैम्बर में घुट घुट कर मारे गए। ये तानाशाही डिक्टेटरशिप है, वह प्रक्रिया हमारे यहाँ भी है। गैस की कमी है तो गैस की कमी कर आप देख लीजिए कि कोरोना काल में उसका चित्र देखिए, यानी करेजा कांप जाता है। एक महिला गैस नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कहीं या कमी नहीं है, उनके अस्पताल गैस चैम्बर बन गए, थोड़े दम सांस के बिना आदमी, गैस सिलेंडर के बिना आदमी, हमारे सामने हमारे घर का आदमी सांस को मर जा रहा, वह गैस चैम्बर ही बन गया। एक महिला को हमने देखा अपने पुरुष को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है, उसके मुंह में मुंह डाल करके, मोटी सी महिला है, वो बराबर कोशिश कर रही उसके मुंह में डाल, यह असंभव प्रयास है, उसके वह नहीं बचेगा, लेकिन आदमी का मन होता है कि जब तक वह अंतिम हमारी सांस न चले तब तक वो आदमी न बचे, भरसक उसको बचाने की कोशिश करती है। ऐसे ऐसे दृश्य कोरोना काल में बराबर सोशल मीडिया पर हम लोग डिस्कस करते थे, कैसे कैसे भागते हुए हैं, उसमें ट्रक जो मिल गया उस ट्रक पर चढ़ रहे हैं, एक अद्भुत दृश्य है, एक ट्रक ऊपर बैठा हुआ है, एक
जो मर्द है उसके नीचे औरत अपने छोटे बच्चे को पकड़ाती है, और वह ऊपर एक पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बच्चे को पकड़ा है, और बच्चा को छोड़ता है तो नीचे गिर जाएगा, और ऊपर पकड़ने के लिए जो लटका हुआ है उसके ऊपर वहां तक पहुंचे कैसे पहुंचेगा, अद्भुत दृश्य है वहां से देखकर के, कैसे सब भाग के चले आ रहे हैं, कोई अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर लेके भाग रहा है, कोई वहां से वैसे भाग रहा है, और सब बटा हुआ। ये एक 55 साल के बुद्ध के माध्यम से जो चित्र खींचा है वह पूरा करोड़ों काल का चित्र हमारे सामने ला देता है, उसके जो बिंब ला देता है, कितनी घुटन थी, कितना सब वो था, और थाली भिजवाने थाली पिटवाने की पूरी परंपरा नाटंकी की जा रही है कि पूरा देश एक हो गया है, एक होकर ताली बजा रहा है, हमारे उनका स्वागत किया जा रहा है, सारे के सारे जो हमारे डॉक्टर भी मरे, नर्स भी मरे सेवा करते हुए, और डॉक्टरों का सम्मान करने के लिए हवाई जहाज से पूर्ण नौटंकी की जा रही है, किया जा रहा था, और उनका सम्मान करने के लिए ताली भाली बजाई रही, या सीधे अपना जो है एजेंडा सेट कर रहे थे कि जो हम उसी समय भारत उनका आरएसएस का कोई पड़ता था स्थापना का दिवस या क्या था उसके अनुसार अपना ताली कुंडा भजवा, तो ये तो कभी नहीं देखा। इन्होंने कहा कि लाल किले को कभी हमदर्दी नहीं होती है, जो हमारा तंत्र है शासन तंत्र है उसको हमारे इन गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, क्या हमदर्दी होगी, किसान साल भर से आंदोलन कर रहे थे, अपना एकदम बैठे हुए थे, खाना पानी लेके लंगर के साथ बैठे हुए थे, एक जरा भी हमदर्दी इस आदमी के भीतर हुई कि उनसे पूरी दुनिया घूमता है, पूरी दुनिया की बात करता है, अपने घर परिवार कहां से किया है और सबसे वहां से बात करेगा, आज उसके संग का कोई आदमी अगर हो जाए तो उसको तत्काल छोड़ दिया गया। चार किसानों को रौंद देने वाला टन्नी टन्नी मिश्र का लड़का जो था, जो अपनी गाड़ी से चार किसानों का सहारनपुर लखीमपुर खीरी में रौंद दिया, आज उस पर मर्डर का केस है, चार मर्डर किया था, और वह क्या है अब इसमें खुल गया, और अभी भी लालू यादव जेल में पड़े थे, अभी फिर एक और कोई केस लगा कि उनको भेज दिया, उनको तो पूरी मार डालने की योजना थी, क्योंकि 19 के चुनाव के लिए सबसे खतरा उनको लालू को था, क्योंकि वह आवाज को पूरा उस तरह से उठाता था, तो इसलिए वहां पर लेकर के वह फिर बाहर आ गया, उसको छोड़ दिया गया। इस समय जो चुनाव आ गया है इनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो तोड़ फोड़ करे, जो उपद्रव करे या सब चीजें करे, तो आदिवासियों ने तो अनुज लोग उनकी कविता तो हमारे सवालों को भी उठा रही, हमारे सवालों के बीच टकराती हुई जा रही है, आदिवासियत ही नहीं है बल्कि एक विश्व विजन के साथ वो आ रहे हैं, और इसी बात पर मुझे लगता है कि अगर हमारे हम लोग सीख लें, हमारे लोग सीख लें कि कैसे आम आदमी जो वंचित समाज है, जो श्रमशील समाज है, श्रम से जुड़ा हुआ समाज है, जो कर्म संस्कृत का निर्माण करता है, वो कर्म करता है और अपने कर्म से वो रहता है, और वह तो तब से अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक लड़ाई लड़ रहा है, ये पत्थर घड़ी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो एक संकेत है, सांस्कृतिक संकेत है, अपनी जमीन को लगाने के लिए। मैंने देखा है ऐसे ऐसे कफन आंदोलन हुए झारखंड में, कफन आंदोलन हो करके माने कि हम कफन लेके बैठे हुए हैं, विधंका आंदोलन है, एक बार बड़का गांव जो है उसमें जो गोली चली थी जिसमें चार लोग मारे गए थे, उसमें तीन तो जो है वो थे क्या नाम टीनेजर्स थे और वे मारे गए थे, मैं गया था हजारीबाग पर घूमा था वहां से, उन चारों को जो घायल थे वहां से उनको देखा था जो रह गए थे, उन संभारों को और उनके खेत को देखा था, ये हुआ कि सब मार किया हुआ है या उनके हिस्से में चला जाएगा, इस पर कब्जा कर लेंगे, और यहाँ छाती भर उगा हुआ धान हजारीबाग का, वहां से जहां जहां मैं गया वहां से लेके वहां तक वो धान है और उसके नीचे कोयला, अब कोयला है तो कोयले के लिए पूरी पूरी फसल जो होती थी वहां के आदिवासियों की खत्म हो जाएगी, उसकी कब्जे से बाहर हो जाएगी। और उसमें यह है कि जब कानून है कि जब जो जिसका जमीन है, जमीन के नीचे की जो चीज है उस पर भी उसी का हक होगा, तो अगर जमीन आदिवासियों की है और उसके नीचे कोयला है या उसके नीचे लोहा है तो वह उन्हीं का होगा या उसका रहा है, लेकिन मानता कौन? आज तो न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन काम कर रही है, कार्यपालिका हमारा तंत्र जो है ना वह उनके कब्जे में, हमारी न्यायपालिका भी है देख लीजिए, और जितना चुनाव आयोग है उनकी मुट्ठी में है, तमाम उनके कैडर्स हैं जो पर्यावरण ढंग से कर रहे हैं, इसलिए उन आदिवासियों की समस्या को लड़ने के लिए वह खुद लड़ते हैं और बराबर किसी पर वो नहीं करते, अपने ढंग से लड़ते हैं और हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वह आज से आज तक असल लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं,
आप वहां से सर, देखें, तिलका मांझी से सर लेकर के बिरसा मुंडा तक आप जी देखें तो पूरा का पूरा वही है। सर को अच्छा, तो तो लगता लगातार है कि सुनते सुने हुए जाने हैं। का मन है। और सर जिस तरह से पूरे आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं कि आदिवासी समाज का होना और उसमें भाषा का होना, उसमें एक पूरी जिंदगी का होना कितना जरूरी है, कि कोई छोटे मोटे कौशल के लिए हम उपहार पाकर खुश हो जाते हैं और हम संपूर्णता में चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो आज मुझे तो बहुत ज्यादा मन था कि सर को लगातार सुनते जाएं, लेकिन समय सीमा नहीं ये नहीं ठीक है, हो जी सर, समय समय हो गया है। तो हम लोग पत्थलगड़ी पर और चर्चा के लिए फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज सर को इस तरह सुनकर बहुत ही ज्यादा एक तरह से भाव विभोर हो गई हूँ, और जिस तरह बातचीत हुई है पत्थलगड़ी पूरे कविता संग्रह पे, और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है आप सब का, मैं पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।